अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टिकटॉक में आपको वेलकम है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है बेबी जो गर्ल है उसका एक फ्रॉक है अम्ब्रेला स्टाइल में, मैं उस तरह से बनाना बता रही हूँ आपको। व्यूअर्स जी, मेरे पास जो है वेस्टेज कपड़ा पड़ा था किसी बड़े सूट में से बचा हुआ, मेरे पास ये कपड़ा है, मैं उसका जो है एक फ्रॉक बना रही हूँ। उसके लिए ये मेरे पास जो है ये प्रिंट में कपड़ा था, इसको मैंने लंबाई इसकी नाप के शर्ट के हिसाब से लंबाई इसकी मैंने नापी है। लंबाई नाप के यहाँ से मैंने इसको तकरीबन ये 4 इंच जो चौड़ा है कपड़ा, ये मैंने लिया है डबल करके। यूँ सिंगल करेंगे तो ये तकरीबन 7.5 से 7.25 इंच के करीब होगा। इसको मैंने यूँ डबल करके तय लगा के इसका दरमियान बना लिया है। व्यूअर्स, ये जो है ये मेरे दरमियान में कपड़ा आएगा फ्रंट और बैक दोनों साइडों पर, और इसके यहाँ पर डालने के लिए ये मेरे पास जो था ये और एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा था प्रिंट में, और ये मैं जो है इसके इस तरह से यूँ साइडों पे जो है जोड़ डालूंगी। जोड़ डालने के बीच में व्यूअर्स, ये कंट्रास्ट में मेरे पास एक और पिंक कलर का कपड़ा है, इसके बीच में मैं देख के पाइपिंग की तरह से ये मैं इन दोनों कपड़ों को जोड़ूंगी। साथ साथ मैं इस शर्ट की जो है कटिंग भी आपको बताऊँगी, साथ साथ मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊँगी। आइए, अब मैं इसको पहले इसके साथ ये पाइपिंग जोड़ूंगी, उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी कि किस तरह से कटिंग करके हम इस शर्ट को अब तक पूरा करेंगे। सबसे पहले आपने जो है इस शर्ट का जो आप बनाने जा रहे हैं, आपने जो है इसका सीधा और उल्टी साइड देख लेनी है। सीधी साइड अंदर को रखेंगे और ये पाइपिंग बीच में डालेंगे इस तरह से, यूं इसके बीच में हम पाइपिंग रखेंगे। पाइपिंग रखने के बाद अब ये जो हमने कपड़ा रखना है, ये भी हमने सीधी साइड जो है वो अंदर की साइड को करके हमने रखनी है इस तरह से। इस तरह से आपने रखना है व्यूअर्स। अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल हल्का हल्का सा पिंक शेड जो है नीचे से नज़र आ रहा है, आप उसका अंदाज़ा करते करते एक जो है बराबर सी जो सिलाई आप इतनी रख के लगाइएगा कि बीच में पाइपिंग का जो कपड़ा है वो हल्का हल्का सा छूटता जाए। इस तरह से व्यूअर्स, ये देखिए ये मेरे जो है ये पाइपिंग जो है एक ही साइज़ की जो पाइपिंग है ये आ जाएगी आपके पास। सेम इसी तरह से जैसे मैंने एक साइड पे पाइपिंग बनाई है, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मैं जोड़ डालूँगी और यहाँ पे भी मैं जो है वो कपड़ा लगा के पिंक कलर का, तो यहाँ पे भी जो है वो एक जो मैंने कुंदी जोड़नी है वो मैं इस तरह से डालूँगी कपड़ा। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से जब मैंने इसकी ये पाइपिंग लगा ली, लगाने के बाद मैंने इसको डबल करके दरमियान बनाया। बनाने के बाद इसका मैंने जो शोल्डर है नाप के हिसाब से शोल्डर काट दिया। काटने के बाद यहाँ से हल्का सा जो है मैंने कटिंग करके इसको जो है यहाँ से तिरछी सी शेप दे दी है व्यूअर्स। इसके जो है ये फ्रंट साइड का जो शोल्डर है यहाँ से जो है मैंने ये इस जगह से तीरे से बिल्कुल हल्की सी कटिंग करी है, और ये मेरे पास जो है ये फ्रॉक का जो है मेरे पास कटिंग ये आ गई। ये इस तरह से इसकी ये लुक आएगी। अब इसके बाद व्यूअर्स, इसमें जो है मैं गला बनाऊंगी। गला व्यूअर्स जो मैं बनाऊंगी वो मैं यहाँ से जो है ऊपर पिंक कलर का कपड़ा लगा के इस तरह का, और साथ में एक
जो है ग्रीन कलर की लेस, उसके दोनों को मिलाने के साथ मैं इसके जो है यहाँ से गला भी बनाऊंगी और साथ में यहाँ पे एक में जो है फट्टी भी बनाऊंगी। अब मैं इस गले की जो है आपको शेप किस हिसाब से मैं बना रही हूँ, मैं आपको उसकी कटिंग बताती हूँ कि किस तरह से हम उसको काटेंगे। और पिंक कलर के कपड़े पर आपने उसको पेस्ट करना है, या जो भी आपका मैचिंग का कपड़ा है आपके ड्रेस के हिसाब से, जो भी मैचिंग का कपड़ा है आप उसके साथ उसको पेस्ट कर लीजिएगा। और इस पे फिर हम इस पे जो है गला लगाएंगे। उसके लिए व्यूअर्स जो आपको है चाहिए वो होगी जिप्स चाहिए होगी। ये मेरे पास जिप्स है, हम इसको सीधा करके उतार लेते हैं। ये हमारे पास व्यूअर्स जो है ये चिप्स आ गई। आप इसका दरमियान बना लीजिए। दरमियान बना लिया। दरमियान बनाने के बाद व्यूअर्स आप जो है इसका गला नापिए। गला जो है ये मैं तकरीबन 2.5 इंच जो है वो रखूंगी। 2.5 इंच का एक निशान आपने इस जगह पे लगाना है, और यहाँ से मैं 3 इंच गहरा जो है वो गला रखूँगी। एक आपने निशान इस जगह पे लगाना है। व्यूअर्स अब इस जगह पे आके आप चाहें तो गला गोल कर लीजिए, गला चाहें तो किसी भी शेप का बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है आज गला जो है वो चौरस बनाऊँगी। उसके लिए यहाँ से मैं यहाँ पे 1 इंच से एक निशान ऊपर एक जो है वो निशान लगा लूँगी। यहाँ से जो है एक जो इंच है इससे एक जो दाना है वो ऊपर करके यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया। लगाने के बाद अब आप जो है ये इन निशानों को आपस में मिला लीजिए। इस तरह से करने के बाद व्यूअर्स अब जो है हम नीचे की साइड को फट्टी बनाएंगे। वो फट्टी आपकी मर्ज़ी है, आपने जितनी मर्ज़ी लंबी रखनी है। मैं 5.5 इंच जो है वो लंबी रख रही हूँ। यहाँ पे मैं एक निशान लगा लूँगी और इसी तरह इंची टेप की मदद से हम सीधा एक निशान ले आएंगे। व्यूअर्स ये जो मैं फट्टी बना रही हूँ ये यहाँ से बंद होगी, इसलिए हमने जो है यहाँ से कटिंग ला के तो हमने इस तरफ को चले जाना है, हमने इस तरफ की कटिंग नहीं करनी। इस तरह से अब जो हमने दूसरी जो कटिंग करनी है व्यूअर्स वो आपने बहुत एहतियात से करनी है, बिल्कुल एक जितनी। आप अगर इधर आपको लगे कि हम नहीं कर सकते तो आप स्केल की मदद से निशान लगाइए, लगाने के बाद आप इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरह से ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से जो है मेरा गला आएगा। मैं इसको अब जो है चिप्स पे पेस्ट करूँगी। करने के बाद ये पिंक कलर के कपड़े पे मैं पेस्ट करूँगी। आपके पास जो भी कंट्रास्ट का कपड़ा हो आप उसके उस पर पेस्ट कर लीजिए। करने के बाद ये जो गला है हम बैक साइड से लगा के इसको फ्रंट साइड पे लेके आएंगे। इसके अलावा व्यूअर्स जो इसके बैक साइड के जो गला है उसकी भी जो है मैं फट्टी काट लेती हूँ।
तरह से। ये भी जो है बैक साइड का जो है मैंने फट्टी भी काट ली है, इसको भी मैं कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी, उसको भी पेस्ट कर लूँगी और इन दोनों को जो है वो गले पे लगा लूँगी। व्यूअर्स हम अब ये गला लगाएंगे, इस पर पेस्ट करेंगे। चिप्स के साथ मैंने चिप्स जो काटी थी वो मैंने गले जो है पिंक कलर के कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है। अब मैं इस पर जो है गला बनाऊँगी शर्ट पर। चिप्स के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। इसके बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा आपने सारा उतार देना है। बिल्कुल किनारी पे आपने एक एक सिलाई लगानी है। इस तरह से व्यूअर्स आप चाहें तो आप इस गले को इस तरह से सिंपल सा यूं अंदर की साइड को फोल्ड करके आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ग्रीन कलर की लेस है कंट्रास्ट के साथ। मैं इसको इसके साथ साथ रखूंगी और साथ साथ ही लेस लगाऊंगी और साथ साथ ही मैं इसका जो है गला वो कंप्लीट करूँगी। Thank you.
इस तरह से व्यूअर्स मैंने जो है अपना ये गला वो बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सफाई के साथ ये गला बना। आप चिप्स पे, इसलिए मैं चिप्स पे लाजमी ये गला बनाने का मशवरा दूंगी कि ये जो है गला वो सफाई से बनता है। व्यूअर्स अब आप चाहें तो इस तरह के जो लैस जिसके यहाँ से किनारे वगैरह उठे हुए हों, यहाँ से आप जो है टांके लगा के सुई की मदद से इस लैस को बिठा लीजिए अच्छी तरीके से, नहीं तो ये लैस इस तरह भी बिल्कुल ठीक रहेगी। व्यूअर्स इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो पट्टी बनाई है यहाँ पर आप कोई बटन लगा लीजिए, कोई भी टसल वगैरह लगा लीजिए। अगर आप इसको इस तरह खाली छोड़ देंगे तो ये इस तरह से भी बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके बाद व्यूअर जो मैं इसके जो है यहाँ से तीरा है इसको जोड़ूंगी। तीरा जोड़ने के बाद यहाँ पे जो है बाजू जो है यहाँ पे मैं रेब में जो पट्टी काटी होती है मैं उस तरह से ये बनाऊंगी। बनाने के बाद इसकी जो मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और नीचे मैं ये जो है लेस, मेरे पास नीचे मैं लेस लगाऊंगी। इस तरह से करके ये मेरा जो बिल्कुल फ्रॉक है वो बिल्कुल जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो है इसका शोल्डर जो है वो कर लिया। शोल्डर करने के बाद मैंने इसके जो बाजुओं पे भी लेस लगा ली है। लेस मेरे पास कम थी इसलिए मैंने यहाँ से साइडें जो है वो अंदर को दे के बिल्कुल हल्का सा अंदर को दे दिया है ताकि ये जो है मेरे पास सफाई से लग जाए और ऊपर ऊपर ही जो है वो लेस नज़र आए। इसके बाद व्यूअर्स एक साइड की ये देखिए मैंने फिटिंग की भी जो है वो सिलाई लगा ली है। इसके बाद जो लास्ट मेरा काम है वो मैंने नीचे जो है वो लेस लगानी है। लेस लगाने का वही तरीका है, मैं इसको लेस को उल्टा रखूँगी, सीधी साइडें दोनों अंदर को होंगी और यहाँ से मैं इसकी लेस लगाऊंगी। यहाँ से सिर्फ इतना हमने रखना है कि नीचे को फोल्ड हो जाए, बाकी आपने सारा जो है वो शर्ट की लेंथ में रख देना है और बाकी जितना सिलाई के लिए छोड़ना है वो छोड़ के आप बाकी पे लेस लगा दीजिए। तरह से हमने लेस लगा ली। लगाने के बाद अब इसके नीचे का ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करके यहाँ पे भी हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। तरह से ये मेरे पास ये जो है सिलाई आती जाएगी और मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। करने के बाद मैं इसकी सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और मेरा ये जो है फ्रॉक ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये फ्रॉक की जो है ये फाइनल शेप आ गई। फ्रॉक कह लीजिए या आप इसको शर्ट कह लीजिए, लेकिन साइडें इसकी जो है मैंने चौक ओपन नहीं किए, ये मैंने ऐसे ही बन रखे हैं। ये देखिए ये इसका गला, इस पे गले पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी टसल लगा लीजिए, यहाँ पे कोई भी आप जो है बटन लगा लीजिए किसी भी तरह का, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दिए ऐसे ही बहुत प्यारी लगेगी। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको जो मैंने आज आपको ये शर्ट बनाना बताई है पसंद आएगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।